डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूनिट एल्डिहाइड और कीटोन, उसका जो टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यानी जो एल्डिहाइड्स और कीटोन हैं उन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन से उनकी क्रियाशीलता। नाभिक शनि युगात्मक जो अभिक्रिया है उसके प्रति किस प्रकार से होती है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके नाभिक शनि युगात्मक जो अभिक्रिया की क्रिया विधि है, किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल उन कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन पर आक्रमण करके नाभिक शनि युगात्मक उत्पाद देते हैं, जिसमें हमने एसिड कैटलाइज्ड एडिशन और बेस कैटलाइज्ड एडिशन की बात की थी। उसके बाद में इनकी जो रिएक्टिविटी है उसको कुछ फैक्टर प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और स्टेरिक जो इफेक्ट हैं वो किस प्रकार से नाभिक शनि युगात्मक अभिक्रिया जो एल्डिहाइड कीटोन होता है उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नाभिक शनि जो युगात्मक अभिक्रिया होती है वो एलिफेटिक जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी तुलना में ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। देखिए, यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोनिल जो यौगिक होते हैं वो एलिफेटिक कार्बोनिल यौगिक से कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन होंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कार्बोनिल, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ समूह है इससे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन परमाणु के अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण पाइबन का इलेक्ट्रॉन ओ की तरफ ऊपर माइनस और कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। उसके बाद में ये बेंजीन वाले इस कार्बोकेटाइन के साथ में रेजोनेंस द्वारा स्टेबल भी होती है। ये पाइबन के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में इस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में पाइबन बनाएंगे और बेंजीन वाले में धनात्मक आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से वापस रेजोनेंस होगा पैरा पोजिशन पर, फिर रेजोनेंस होगा वापस ऑर्थो पोजिशन पर, और इस प्रकार से आप देख रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो यहाँ पर एरोमेटिक और एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक का कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, जो अपने धनावेश को बेंजीन वाले में विस्थानीकरण कर स्थायित्व तो भी ग्रहण कर लेता है। अतः इसके माइनस आई प्रभाव के होते हुए भी नाभिक शनि का योग होता है, इसमें क्या होता है, गढ़ता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस का भी इफेक्ट हो जाता है। ये जो फेनिल समूह है बड़ा होगा तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन के साथ में अटैक नहीं कर पाता, तो इस कारण से जो एलिफेटिक कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसकी तुलना में एरोमेटिक जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड जो कीटोन है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव है। अब देखिए नेक्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन है उस एल्डिहाइड और कीटोन के सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन हमेशा अल्फा कार्बन कहलाता है, नेक्स्ट अगला कार्बन है वो बीटा है। इसी प्रकार कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड ओ की इस तरफ जैसे अल्फा है बीटा है, तो इधर अल्फा डैश बीटा डैश इस तरह से कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन परमाणु कहा जाता है। तो इस कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पर उपस्थित ये जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इस अल्फा हाइड्रोजन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो अल्फा कार्बन परमाणु पर
उपस्थित एच है वो एच प्लस के रूप में रिमूव करके इनोलेट आयन बनाता है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल ग्रुप है, जब ऑक्सीजन परमाणु स्पाई बनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक्सेप्ट कर लेगा तो कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये कार्बन परमाणु क्या करेगा, पड़ोसी कार्बन जो अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को एच प्लस के रूप में रिमूव कर देता है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंड बन जाता है। तो यहाँ पर ओ माइनस के बाद में कार्बन कार्बन पर बीच में एक पाई बंड बन जाता है, तो इस संरचना को हम इनोलेट आयन कहा जाता है। यह लिखा मैंने, यह अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसका कारण यह है कि शार द्वारा जब अल्फा एच के निष्कासन से बना रिडाइन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जब इसकी अभिक्रिया बेस के साथ में करवाई जाती है तो बेस क्या करेगा, इस एच को प्रोटॉन एच प्लस आयन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। तो इससे बना जो रिडाइन होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एच प्लस निकलने के बाद में बना रिडाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। इस पाई बंद जो लॉन्टेड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बंद बनाएंगे ऊपर माइनस। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा इस अनुनाद स्थायीकृत रिडाइन को हम क्या कहते हैं, इनोलेट आयन कहा जाता है। इससे हम इनोलेट आयन कहेंगे और ये इनोलेट आयन होता है जिसका कार्बन परमाणु क्या होता है, ऋणावेशित होता है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक सनेह की तरफ भी कार्य करता है। इसलिए एरोमेटिक जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो संघनित अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिसमें हम बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। तो इन कंडेंस जो रिएक्शन है बेंजोइन एल्डोल, इनकी आपको एग्जाम के अंदर इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो अब हम एक एक करके इन जो नए रिएक्शंस है इनकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन के अंदर बेंजाल्डिहाइड की दो अणु आपस में एल्कोली पोटेशियम साइनाइड के उपस्थिति में संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं। तो इससे हम बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन संघनन कहा जाता है। जब बेंजाल्डिहाइड के दो अणु आपस में एल्कोहलिक केसीएन की उपस्थिति में संघनित होकर बेंजोइन बनाते हैं, इसे बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं।
एनिबेजेड याद के दोनों आपस में एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर के बेंजोइन का फॉर्मेशन करेंगे, इसको हम बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर देखिए इस प्रकार से C6H5CHO बेंजोडिएट का एक अणु प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड ओ एच बेंजोडिएट का दूसरा अणु आपस में संघनित होकर के C6H5CHO पोटेशियम साइनाइड और C2H5OH प्लस H2O लिया जाएगा। तो यहां पर दोनों अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर के C6H5COH SC डबल बॉन्ड O C6H5 इसको कहा जाता है बेंजोइन कहा जाता है। तो बेंजोडिएट C6H5CHO का एक अणु और ये बेंजोडिएट C6H5CHO का दूसरा अणु KCN एथेनॉल प्लस H2O इसकी उपस्थिति में संघनित होकर के C6H5CHOH C डबल बॉन्ड O C6H5 इसे बेंजोइन कहा जाएगा। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि तो ये अभिक्रिया निम्न स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन नाभिक सनई का निर्माण होगा। सबसे पहले पोटेशियम साइनाइड KCN जो होता है ये KCN इस एल्कोहलिक जलीय विलयन के अंदर K+ + CN- बनाएगा। ये साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल है वो बेंजोडिएट के जो एक अणु है उसके साथ में अभिक्रिया करेगा। तो दूसरे स्टेप के अंदर साइनाइड अटैक ऑन बेंजोडिएट मॉलिक्यूल। तो देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O H अब यहां पर आने वाला साइनाइड आयन कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा ऊपर माइनस। इस प्रकार से C6H5CO- साइनाइड आर एच। उसके बाद में फिर यहां से H+ आयन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल C6H5COHCN- कार्बन एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब इस कार्बन एनायन का दूसरा जो बेंजोडिहाइड मॉलिक्यूल है उस पर अटैक होता है ये C6H5COHCN- इसका बेंजोडिएट के दूसरे मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O H C6H5 तो ये न्यूक्लियोफाइल जो इंटरमीडिएट कार्बन एनायन है इस बेंजोडिएट के कार्बन के साथ में बंध बनाएगा और ऊपर माइनस। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस तरह से इस न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल जो बेंजोडिएट का दूसरा मॉलिक्यूल है उस पर अटैक होगा ऊपर माइनस और ये बनाएगा C6H5COHCN CO- H C6H5। उसके बाद में फिर फोर्थ स्टेप के अंदर H+ आयन ट्रांसफर होगा देन CN- आयन है वो रिमूव होता है। तो H+ आयन ट्रांसफर एंड
सी एन माइनस रिमूव। तो देखिए जो फोर्थ स्टेप के अंदर C6 H5C OH CN CO माइनस H C6 H5, यहां से H प्लस आयन ट्रांसफर होकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH बना देता है और O पर माइनस, तो C6 H5 C ऊपर माइनस CN सी ओ एच एच C6 H5। उसके बाद में यहाँ से ये ऑक्सीजन परमाणु के जो लोन पेयर होते हैं कार्बन इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंद बनाएंगे और यहाँ से CN माइनस रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से साइनाइड आयन के रिमूव होने के बाद C6 H5 C डबल बॉन्ड O C OH C6 H5 यानी बेंजोइन बनता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं C6 H5 CO CH OH C6 H5 बेंजोइन बनेगा। देखिए एक बार पुनः इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले एल्कोहलिक जलीय विलयन के अंदर जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो के प्लस और सी एन माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है उसका निर्माण करेगा। इस सी एन माइनस न्यूक्लियोफाइल का कार्बोनिल कार्बन बेंजोडिएट के एक मॉलिक्यूल की कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो सी एन माइनस इस कार्बन के साथ जुड़कर के ऊपर माइनस और उसके बाद में यहाँ से एच प्लस निकलने के बाद ओ पर जुड़ जाएगा OH और इनोलेट आयन बनाएगा या फिर कार्बन एनायन जो इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से ये H प्लस है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH और इस कार्बन पर नेगेटिव क्योंकि सिग्मा बन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन पर ही रह जाएंगे, तो C पर माइनस कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनेगा और इस इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती है इसका दूसरा अणु जो बेंजोडिएट है उस पर अटैक होता है। ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो कंपाउंड है वो कार्य कर रहा है। यहाँ से कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन के साथ बंध बनाएगा ऊपर माइनस, उसके बाद में फिर यहाँ से H प्लस आयन होगा वो ट्रांसफर होकर के ऑक्सीजन के साथ में और यहाँ ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाते हुए सी एन माइनस को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं H प्लस ट्रांसफर OH बना देगा और इस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन O माइनस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बंध बनाते हुए सी एन माइनस को रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार से C6 H5 C डबल बॉन्ड O COH C6 H5 इसे बेंजोइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बेंजोइन संघनन के अंदर बेंजोडिएट के दो अणु एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में संघनित होकर के बेंजोइन बनाते हैं, इसको हम बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाता है। तो ये इसकी एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म क्रियाविधि है वो पूछी जाती है। अब हम नेक्स्ट जो अगले रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन उसको नेक्स्ट अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।